सत्याकाल दैनिक सरिश्ता का स्वागत है। मैं भावना, खबर की शुरुआत कर दे इस खबर तो। शाहकोट रैली दौरान श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने लोगों नूं संबोधित किया अते पंजाब दे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी तो सवाल किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने राज विच सूबे दी इक इट तक नहीं लगाई, यह सरकार केवल झूठिया दी सरकार है। श्री गुरु ग्रंथ साहब दी झूठी सौ खाधी गई अते सारे वादे पूरे करन दा दावा भी किया गया, पर कांग्रेस वेले वादे तो पूरे नहीं हुए, उल्टा लोका दा नुकसान ही होया है। 5 साल बर्बाद हो गए, 5 साल ना मुख्यमंत्री सी ना कोई मंत्री सी, एक इट नहीं लगी 5 साल। मैं पंजाब दे मुख्यमंत्री चन्नी नूं पुछना चाहना है, मैनू एक स्कूल दा नाम दस दिन जिहड़ा एक बनाया, एक हस्पताल दा नाम दे दिन जिथे बनाया, जे काम कीता ही नहीं, कल्ले झूठ ते निर्भर सरकार चलाई। पिछली बार भी सरकार इन्हां दी नहीं बननी सी, पर इन्हां ने पंजाब दी जनता दे भावना ते खेड के उन्हां ने धोखा कीता। सारे जानदे अपनी कौम गुरु घर दे उत्ते इन्ना विश्वास है कि लोकी जिहड़े अपने पिंडां च भी झगड़े हो जान, दो धरां च झगड़े हो जान, आपां कहिंदे आ आओ गुरु घर चलीए। जिहड़ा झूठा हुंदा है वह गुरु घर नहीं जाता, डरदा परमात्मा तो इन्ना डर है। ते कांग्रेसी गुटका साहब नूं हथ रख के, तख्त श्री दमदमा साहब हथ करके आई चन्नी तो लैके सुखी रंधावा कैप्टन लग गए जकारे छड़दे सी कि असी घर घर नौकरी कर्जा माफ सारा कुछ ही, क्योंकि उन्हें पता सी कि नहीं तो श्रोमणी अकाली दल की सरकार फिर तो बन जानी है। पिछली बार भी बन जानी सी, कई अपने वर्कर डोल गए क्योंकि उन्होंने पता लग गया कि शायद कर्जा ही सारा इनका माफ हो जाए, तो उन्होंने सरकार बन गई। वध्या अगली खबर वल। अपने बयानां नूं लैके सुर्खियां च रहण वाली बॉलीवुड अदाकार कंगना रनौत नूं अज किसानां दे विरोध दा सामना करना पिया। दरअसल जदों हिमाचल प्रदेश जा रही सी तां उस नूं श्री कीरतपुर साहब दे नेड़े किसानां ने घेर लिया। इस दौरान जदों किसानां नूं सूचना मिली तां उन्होंने अदाकार नूं घेर लिया। इस दौरान किसानां वल्लों कंगना रनौत अते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे खिलाफ नारेबाजी भी कीती गई। मौके ते भारी गिनती विच पुलिस भी मौजूद सी, पर ओह भी किसानां दे होर अगे कुछ नहीं कर सकी। दस्सदे कि हाल ही च कंगना रनौत ने 1984 दे दंगिया दौरान सिखां दे कतल ते विवादित बयान दिता सी, जिस नूं लै के सिख प्रदर्शनकारी कई दिनां तक मुंबई स्थित उन्हां दी रिहायश दे बाहर नारेबाजी करदे रहे। इस तों इलावा किसान अंदोलन की शुरुआत च कंगना ने ट्विटर से एक पंजाबी बुजुर्ग औरत की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि अजिहे लोग 50,000 रुपए नूं लै के अंदोलन च पहुँच जाते हैं। इस दौरान कंगना रनौत ने कार विच बैठ के ही एक पोस्ट पाई, जिस विच उसने दस्या कि उसनों किसानों ने घेर लिया अते पुलिस मौजूद होने के बावजूद भी उसकी कार नूं अगे नहीं जान दिता जा रहा। हेलो एवरीवन, मैं अभी हिमाचल से निकली हूँ क्योंकि मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई और यहाँ पंजाब में आते ही एक मॉब ने मुझे घेर लिया है। वो खुद को किसान कह रहे हैं और मुझ पर अटैक कर रहे हैं, गंदी गालियां दे रहे हैं और मुझे जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं। तो इस देश में ये इस तरह का मॉब लिंचिंग हो रहा है सरेआम, अगर मेरे साथ सिक्योरिटी ना हो तो क्या हालात होंगे यहाँ पे और किस तरह से चीजें होंगी। इट इज अनबिलीवेबल, द सिचुएशन हियर इज अनबिलीवेबल। इतनी सारी पुलिस है फिर भी मेरी गाड़ी को निकलने नहीं दिया जा रहा है। क्या मैं कोई पॉलिटिशियन हूँ? क्या मैं कोई पार्टी चलाती हूँ? व्हाट इज दिस बिहेवियर? अनबिलीवेबल। बहुत सारे लोग मेरे नाम पे पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और उसी पॉलिटिक्स का ये नतीजा है जो आज हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए। किसानां दी मंग सी कि कंगना अपने दित्ते बयान ते मुआफी मंगे, तां ही उसनूं इत्थों जान दित्ता जावेगा। कुछ देर बाद किसानां विच घिरी कंगना ने कार विचों बाहर आके किसानां तों माफी मंगी, जिस तों बाद कंगना नूं उत्थों जान दित्ता गया।
इंचार्ज राघव चड्ढा ने कांग्रेस पार्टी उपर वड्डा प्रश्न चिन्ह लगाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चन्नी ने स्पष्ट कर दिया कि 2022 दिया चोणा लिए मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे। इसका मतलब केवल रविदास भाईचारे दिया वोटा लिए कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी नू सामने रखा। इस चोट तो बाद रविदास भाईचारा नाराज है। राघव चड्ढा ने सवाल किया कि हुण अखीर कांग्रेस का सीएम चेहरा कौन है। पंजाब के मानयोग मुख्यमंत्री साहब चरणजीत सिंह चन्नी जी ने कल ये ऐलान कर दिया कि वो कांग्रेस पार्टी के 2022 के इलेक्शन के सीएम फेस नहीं है। उन्होंने ये बात बताई कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें साफ तौर पर यह बता दिया है कि वो अब मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है, यानी कि कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर फेस 2022 के इलेक्शन के चरणजीत सिंह चन्नी साहब नहीं है। ये बात उन्होंने खुद पंजाब के लोगों को, पंजाब की आवाम को कल बताई। कांग्रेस ने सिर्फ 3 महीने के लिए, यानी कि सिर्फ 3 महीने के लिए इलेक्शन से पहले चन्नी साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया, मुख्यमंत्री बनाया। क्यों? ताकि रविदासिया भाईचारे का वोट ले सके, रविदासिया समाज का वोट ले सके। ऐसा ही कुछ कांग्रेस ने महाराष्ट्र के चुनाव से पहले किया था। वही सेम कार्ड, वही वोट बैंक की राजनीति, समाज को बांटने वाली राजनीति इस बार कांग्रेस पंजाब में कर रही है। सिर्फ 3 महीने के लिए चन्नी साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया और अब उन्हें हटाकर किसी और को सीएम फेस ऐलानने जा रहे हैं। इस बात का रविदासिया भाईचारे में, रविदासिया समाज में बहुत रोष है और कहीं ना कहीं अब पूरा रविदासिया भाईचारा इस बात का बदला कांग्रेस पार्टी से लेगा। और क्योंकि चन्नी साहब इस बात को जानते हैं, उन्हें मालूम है कि सिर्फ 3 महीने के लिए वो मुख्यमंत्री बने हैं, इसलिए वो हर प्रकार का वादा बस ऐलान पे ऐलान करे जा रहे हैं। वो बात जानते हैं इस बात को कि वो 2022 में मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, उन्हें ये ऐलान, ये वादे लागू नहीं करने हैं, इसीलिए वो ऐलान पे ऐलान बिना सोचे समझे करे जा रहे हैं। सावधान रहिए इन ऐलानों से। लेकिन इस सारी कवायद से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है और वो है कि 2022 के इलेक्शन में आखिर कांग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर फेस कौन होगा, किसका नाम ऐलान कर कांग्रेस पार्टी 2022 का इलेक्शन लड़ेगी। क्या नवजोत सिंह सिद्धू होंगे कांग्रेस का सीएम फेस, या सुखजिंदर रंधावा होंगे कांग्रेस का फेस, या फिर प्रताप बाजवा होंगे कांग्रेस पार्टी का सीएम फेस? कौन है सीएम का चेहरा कांग्रेस पार्टी का 2022 के इलेक्शन में, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट वालों पंजाब कांग्रेस दे प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू नू आमदन टैक्स विभाग मामले विच वड्डी राहत दित्ती गई है। हाई कोर्ट ने आमदन कर कमिश्नर दे साल 2016-17 दी आमदन दा गलत मुल्यांकन करन दे हुक्मां नू खारिज कर दिता है अते इस दे खिलाफ सिद्धू दे पुनर जवाब नू खारिज करदे होए मुड विचार करन दे हुक्म दित्ते ने। इस दे संबंध विच नवजोत सिंह सिद्धू दे वकील चेतन बांसल ने दस्या कि सिद्धू ने हाई कोर्ट च पटीशन दायर करके कहा सी कि उन्होंने 2016-17 दी इनकम टैक्स रिटर्न विच अपनी आमदन 9,66,00,000 दसी सी, पर आमदन कर विभाग ने उसनू 13 मार्च 2019 नू सूचित किया अते दस्या कि इस समय दौरान उसकी आमदन 13,19,00,000 रुपए है। इस तरह आमदन कर विभाग ने उसकी आमदन विच 3,53,00,000 रुपए होर जोड़ दिते। सिद्धू ने आमदन कर विभाग नू अपील की कि वह अपनी आमदन के गलत मुल्यांकन विरुद्ध इनकम टैक्स कमिश्नर के सामने रिविजन दायर करके इस नू ठीक करे, पर इस साल 27 मार्च नू इनकम टैक्स कमिश्नर ने उन्हां दी इस रिविजन नू रद्द कर दिता सी। इस हुक्म नू सिद्धू ने हाई कोर्ट विच चुनौती दिती सी। सिद्धू दी इस मंग नू देखदे होए हाई कोर्ट ने हुण इनकम टैक्स कमिश्नर दे 27 मार्च दे हुक्मां नू रद्द कर दिया, सिद्धू दे रिविजन ते मुड़ विचार करन दे हुक्म दित्ते ने। सर, प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स जी ने उन्हां दी रिविजन डिसमिस करती सी, ऐ कह के कि मेंटेनेबल नहीं हैगी, ते सानू बगैर मैरिट्स ते सुने होए साडा केस खारिज करता सी। असीं हाई कोर्ट च आए सी कि साडा केस मैरिट्स ते सुनिया जावे ते प्रिंसिपल इनकम टैक्स दा कमिश्नर दा ऑफिस ऑर्डर सेट असाइड कीता जावे। ਉਹ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸੈਟ ਅਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਰਿਜ 'ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਫਰੈਸ਼। ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ? 2016-17 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਦੀ ਗਲਤ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੀ ਓਵਰਆਲ ਮਾਮਲਾ? ਓਵਰਆਲ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਜੀ 9,66,00,000 ਰੁਪਏ,
ਤੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਰਡਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੈਰਿਟਸ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਗੈਰ ਸੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਹੇਅਰਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਕਰਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਰਿਟਸ ਸੁਣ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰੀਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ? ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਰੀਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਅਲਾਓ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਅਲਾਓ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਅਲਾਓ ਹੋ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਡੇਟ ਵੀ ਹੋਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਲਾਓ ਹੋ ਗਈ, ਥੱਲੇ ਆਰਡਰ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਗੀ, ਜੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਥੱਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 'ਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ, ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਲਟਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ, ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖ ਮੰਗੀ ਮਾਫ਼ੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਾਲ 2016-17 ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਗਲਤ ਮੁਲਿਆਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ। ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹ ਬੁਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਚੰਗੇ, ਪਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਦੀ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।